गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार गाइस क्या आप जानते हो कि यार राई का तेल कैसे बनता है? यदि नहीं ना गाइस तो मेरी आज की वीडियो में आप यही देखोगे कि यार आखिर कैसे हम लोग गाँवों में राई का तेल निकालते हैं। तो गाइस फाइनली अपन उस चक्की पर खड़ी हैं जहाँ पर राई का तेल निकाला जाता है। तो चलिए गाइस अपन बिना देरी किए चलते हैं चक्की के अंदर और देखते हैं कि यार कैसे राई का तेल आखिर में निकालते हैं। यार गाइस आज ना हम लोग आए हुए हैं अहमदपुर। यार भाई ये गांव ना हम लोग के गांव से यार 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। यार गाइस यहां पर ना राई का तेल बनाया जाता है। तो गाइस ये देखो ये है वो चक्की जहां पर राई का तेल बनाने का काम हो रहा है। गाइस ये देखो ये है चक्की जहां पे ऊपर राई को डाला जाता है और ये नीचे से तेल निकलता है और यहाँ से खली निकल रही है। ये देखो गाइस नीचे से तेल गिर रहा है। गाइस ये देखो गाइज यहाँ पे ऊपर वो टंकी दिख रही है गाइज, उसमें ना राई को भर दिया गया है और वो देखो वहाँ से राई गिर रही है। और गाइज यहाँ से ना खली गिरती है गाइज, ये देखो यहाँ से खली गिर रही है गाइज। ये देखो हमने यहाँ पे तसले में राई को निकाल रखा है और यहाँ से बहुत तेज़ी से तेल गिर रहा है गाइज। गाइज ऐसे ये चक्की होती है राई का तेल बनाने वाली। यहाँ पे गाइस सारे तसला असला रखे हैं और जो भी खली निकलती है सब इसमें इकट्ठे भरते जाते हैं और उसके बाद तीन बार उस ऊपर टंकी में जहाँ पर राई भरी है वहाँ पे खली को डाला जाता है और यहाँ पर तीन बार राई का तेल निकाला जाता है। ये देख गाइस यहाँ से खली को पूरा अलग किया जा रहा है। यहाँ पे देखो गाइस टब में पूरा खली भरा रही है। और गाइस यहाँ पे ना तेल बनाने के अलावा सभी तरह काम, यहाँ पर चावल का, गेहूँ का, आटा का सभी काम होता है। ये देख गाइस यहाँ पर ऐसे गाइस देखो ऐसे ना तेल को छानते हैं और ऐसे वो गंजी दिख रही गाइस उस वो है ना कम से कम 7 लीटर की गंजी है और उसमें तेल भरा रहा है। गाइस ऐसी होती है चक्की तेल बनाने वाली और हम लोग गांव में ऐसे तेल बनाते हैं। ये देखो यहाँ पे पूरी खली है, इसको गाइस तीन बार अपन ऊपर डालेंगे और तेल निकालेंगे। गाइस ऐसे बनता है तेल यार। भाई फाइनली अपन घर आ गए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।